आवाज कानों में पड़ते ही जहन में इसकी पहचान खुद ब खुद दस्तक दे जाती है। दीदार के लिए निगाहें दूर तक चली जाती है। बुलेट की सवारी की ख्वाहिश रखने वाले हर किसी के मुंह से यही लाइन निकलती है। इसके चाहने वाले ये कहते हैं, बाइक हो तो बुलेट जैसी, वरना पैदल ही सही। शायद इस बुलेट को देखकर हम में से ज्यादातर लोगों के दिल से यही आवाज निकलती होगी। और आज रॉयल एनफील्ड की बाइक रोड के साथ साथ लोगों के दिमाग में बुलेट की जगह दौड़ रही। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब बुलेट की पैरेंट कंपनी इसे बंद करना चाहती थी, लेकिन एक इंसान ने इसको एक बार फिर से शान की सवारी बनाने का बीड़ा उठाया और ऐसा करके भी दिखा दिया। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आज लोगों के दिलों पर राज करती है। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स 1949 से इंडिया में बिक रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 में पाकिस्तान बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों और आर्मी की पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए 800 मोटरसाइकिल का ऑर्डर दे दिया था और ये ऑर्डर ब्रिटेन की एनफील्ड साइकिल कंपनी को बुलेट 350 के लिए दिया गया था। उस जमाने का ये बड़ा बल्क ऑर्डर था और सही मायने में इंडिया में बुलेट का जो सफर है वो यहीं से शुरू हुआ। इस बल्क ऑर्डर के बाद ब्रिटेन की रेंज कंपनी ने 1955 में इंडिया के मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर 350 सीसी की बुलेट की असेंबलिंग के लिए कंपनी बनाई एनफील्ड इंडिया। पहले ब्रिटिश फर्म रॉयल एनफील्ड बुलेट को बनाती थी। 1971 में ब्रिटिश कंपनी के बंद होने के बाद इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बुलेट के राइट्स को खरीद लिया। लेकिन 1970 से 1980 के बीच रॉयल एनफील्ड के मैनेजमेंट की तरफ से कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए जिससे ये कंपनी भारी बोझ के तले दब गई। तो वहीं 1990 में CD100 के आने से ये रॉयल एनफील्ड जो है उसे झटका लगा। बुलेट बाजार से तकरीबन बाहर हो चुकी थी। लेकिन तब 1994 में आयशर ने इस बुलेट पर भरोसा जताते हुए इस कंपनी को खरीद लिया। हालांकि साल 2000 में आयशर ग्रुप को बहुत ही बड़ा घाटा हुआ। ग्रुप के सीनियर एडवाइजर की राय में रॉयल एनफील्ड को बेचना या फिर बंद करना ये सही फैसला था। ग्रुप के इस डिविजन को 20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और बंद होने वाली रॉयल एनफील्ड का जो बिजनेस है वो एक बार फिर से सिद्धार्थ लाल ने संभाला। सिद्धार्थ ने इस डिविजन को नेट प्रॉफिट में लाने के लिए 24 महीने का वक्त मांगा। सिद्धार्थ डिविजन के हेड बने और सबसे पहले उन्होंने जयपुर का नया एनफील्ड जो प्लांट है उसे बंद कर दिया और फिर डीलर डिस्काउंट को खत्म कर दिया, जिससे कंपनी पर हर महीने 80 लाख रुपए का भार बढ़ रहा था। सिद्धार्थ ने कुछ साल पहले यह कहा था, डू और डाई डेडलाइन के चलते मुझे कई बड़े फैसले लेने पड़े थे। उस वक्त सिद्धार्थ लाल और उनकी टीम ने यह पाया कि मोटरसाइकिल का मतलब है लंबी दूरी को एंजॉय करना। सिद्धार्थ ने यह तय किया कि दूसरे मार्केट या फिर सेगमेंट में उतरने से यह अच्छा है कि मौजूदा ब्रांड को मजबूत करने की पूरी कोशिश की जाए। सिद्धार्थ ने उस वक्त कहा था कि इन बाइक्स का कोई मार्केट अगर ना भी हो तो भी हम इसे आगे बढ़ाएंगे, भले ही हमें मार्केट खड़ा करने में 10 साल और क्यों ना लग जाए। इसके बाद सिद्धार्थ ने शहर के 18 से 35 साल के जो युवा है उनको टारगेट करते हुए साल 2001 में 350 सीसी बुलेट इलेक्ट्रा उतारी और इसकी मार्केटिंग यंग मोटरसाइकिल के तौर पर की गई। और फिर इलेक्ट्रा से कामयाबी के बाद तमाम जो बड़ी मोटरसाइकिल है इलेक्ट्रा से जो कामयाबी मिली, इसके बाद 2002 में इस कंपनी ने थंडरबर्ड पेश की और इसे सीरियस मोटरसाइकिल सेगमेंट के लिए लाया गया था। ब्रेक और गियर की पोजिशनिंग नॉर्मल मोटरसाइकिल के तरह दी गई, जैसे पहले बुलेट के ब्रेक राइट और गियर जो है वो लेफ्ट पैर में होते थे, इनमें कुछ बदलाव किए गए और फिर 2002 से ये सफर चलता गया। ये कंपनी मुनाफे में पहुंची और एक के बाद एक इंजन मार्केट में रॉयल एनफील्ड की नई बाइक्स को पेश किया गया। इसके ठीक पहले सिद्धार्थ ने 150 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट के लिए चेन्नई में नया प्लांट खोला, जिसकी कैपेसिटी ईयरली 3 लाख मोटरसाइकिल बनाने की थी। 2009 में क्लासिक 350 और 500 को उतारा गया। तो वेल, आज भारत में ये बाइक शान की सवारी मानी जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब
डूबती रॉयल एनफील्ड हमेशा के लिए बंद होने के कगार पर थी, लेकिन युवा बुलेट राजा ने सिर्फ एक मौका मांगा और एक बार फिर से बुलेट की धड़धड़ाहट की जो गूंज है वो दुनिया में बिखेर दी।